गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग शैब्स। और गाइज आज मैं कुछ और नई टेक अपडेट्स के साथ आया हूँ। तो पिछली वीडियो में गाइज मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, जहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि आपने स्पाइडरमैन की सारी सीरीज देखी है कि नहीं। तो आप में से 75% लोग कहते हैं कि भैया उन्होंने सारी सीरीज देखी हैं, और कुछ परसेंट जो हैं बाकी वो कहते हैं कि भैया उन्होंने अभी तक नहीं देखी है। तो भैया ज़रूर देखी है, और आने वाली जो मूवी है स्पाइडरमैन फार अवे फ्रॉम होम वो भी ज़रूर देखिएगा गाइज। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का मेरा यही सवाल है गाइस कि मैं जो भी टेक अपडेट्स आपके सामने लेकर आता हूँ, क्या आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं, या आपको इसमें चेंजेस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और ऊपर दिए गए पोल में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज बात करते हैं पहले अपडेट की, और यहाँ पे आ रहा पहला अपडेट गाइज रियलमी की तरफ से। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गाइज रियलमी एक्स स्पाइडरमैन एडिशन फ़ोन की, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो गया अभी चाइना के अंदर आज ही। और गाइज बताया जा रहा है कि ये इंडिया के अंदर भी 9 जुलाई से पहले पहले लॉन्च हो जाएगा। ऐसे में जो फिल्म आ रही है स्पाइडरमैन फार अवे फ्रॉम होम 6 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। बताया जा रहा है कि उसके आसपास ये रिलीज़ हो जाएगा, और 18,000 रुपये का इसका प्राइस बताया जा रहा है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ गाइज इसका 8GB प्लस 128GB वेरिएंट के साथ आएगा ये। तो देखते हैं आगे कैसा होता है, और आप कितने इसको एक्साइटेड हैं ख़रीदने के लिए ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं गाइज अगले अपडेट की, तो यहाँ पे आ रहा है शोमी की तरफ से। और यहाँ पे गाइज मैं बात कर रहा हूँ शोमी के Mi A3 और Mi A3 Lite को लेके। और ऐसे में गाइज ये समझ नहीं आ रहा है कि जो फ़ोन शोमी ने अभी एक इमेज सर्विस करी थी CC9 और CC9E के नाम से, शायद वही फ़ोन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में Mi A3 और Mi A3 Lite के नाम से शोमी जो है वो सेल कर सकता है। और बताया जा रहा है गाइस कि इसका जो प्राइस होगा वो भी काफ़ी लो होगा। और ऐसे में देखते हैं कि क्या और अपडेट सामने आते हैं शोमी की तरफ से, तो आने वाले टाइम में ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। बात करें गाइस अगले अपडेट की, तो यहाँ पे आ रहा है ओनर की तरफ से। यहाँ पे गाइस ओनर ने एक स्टेटमेंट जारी करी है कि भैया उनके आने वाले जितने भी ओनर 20 के सीरीज़ के फ़ोन हैं उसमें आपको एंड्रॉयड IQ अपडेट प्रोसेसर मिलेगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग ओनर यूज़र्स हैं फ़ोन के वो सारी ऐप सही से यूज़ करेंगे कर पा रहे हैं, और जो भी सिक्योरिटी और एंड्रॉयड अपडेट्स हैं वो उनके फ़ोन में उनको मिल रही हैं। ऐसे में आप ज़रूर बताइएगा अगर आप ओनर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है, दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। बात करते हैं गाइस अगले अपडेट की, तो यहाँ पे आ रहा है गाइस व्हाट्सएप की तरफ से। और यहाँ पे गाइस एक रिपोर्ट सामने आई है USA में कि व्हाट्सएप काफ़ी हेल्पफुल है लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग तनाव में रहते हैं या फिर अकेला रहना पसंद करते हैं वो व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़ोन। और ऐसे में व्हाट्सएप देख के उनका जो तनाव है काफ़ी कम होता है, तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि फ़ोन के बिना तो आज के टाइम में हमारी लाइफ बिल्कुल ही अधूरी है गाइस। बात करें गाइस अगले अपडेट की, तो आ रहा है यहाँ पे सैमसंग की तरफ से। और यहाँ पे गाइस सैमसंग ने एक कॉन्टेस्ट निकाला है $40,000 का, और ये डिज़ाइन कॉन्टेस्ट है टोटली। और अगर आपको डिज़ाइन आते हैं गाइस बनाने तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको लंदन भेजा जाएगा अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में तो ज़रूर बताइएगा और ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा, और कैश प्राइजेस भी हैं यहाँ पे, और साथ ही लंदन का ट्रिप तो है ही। बात करेगा इस लास्ट अपडेट की, तो यहाँ पे आ रहा है Asus 6 को लेके। और यहाँ पे गाइज जो है ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो गया है ऑलरेडी, और ये अभी आपको मिल रहा है 6GB प्लस 64GB वेरियंट के साथ। और बताया जा रहा है इसका जो प्राइस है वो है 31,000 रुपये है, और जो बाकी दो वेरियंट हैं वो 1 जुलाई से आपको फ्लिपकार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई होप गाइस ये सारी वीडियो आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, इट्स गुड बाय।